हेलो दोस्तों वेलकम टू लोक सेवा आज हम लोग इस वीडियो में मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं सो so, इस वीडियो में आज हम लोग हाउ कैन वी अप्लाई हाउ टू अप्लाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कैसा है कौन से कौन से लेवल के लिए स्कॉलरशिप दिया गया है कौन सा कौन सा यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व है बेनिफिट्स क्या है इस स्कॉलरशिप में क्या क्या आपको दिया जाएगा अंडर छात्रवृत्ति के नाम पे अथवा स्कॉलरशिप के नाम पर क्या क्या दिया जाएगा आपका लॉजिंग फूडिंग क्या कैसा रहने वाला है ट्यूशन फी कितना है स्टेटमेंट कितना मिलेगा ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद क्या, से से क्या, क्या, क्या कैसा है अगर कोई समस्या पड़े तो किसको कॉन्टैक्ट किया जाए वो सब के बारे में डिस्कस करने वाले है तो so, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूले क्योंकि इससे आपको आने वाले सारे स्कॉलरशिप के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगी और वीडियो शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूले तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप इज ऑफर्ड बा गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट ब्रिलियंट माइंड फ्रॉम Around the world to pursue postgraduate studies in Malaysia. This scholarship is parallel with Malaysian aspiration to merge as one of the global center of academic excellence by attracting, motivating, and retaining talent human capital from abroad. Interested international graduates with outstanding academics and co-curricular backgrounds are welcome to apply for this scholarship to further their studies in leading Malaysian universities and higher education institutions. with the opportunity to enjoy malaysian immense hospitality and world class higher education experience ab isme aapko pehla point bata raha hai ki aapko malaysian government dwara scholarship di ja rahi hai masters degree ke liye aur dusra main aapko welcome kiya जा रहा है the call for application for the academic year 2023-24 will be opened from 17th april 2023 till 18th may 2023 अब yahan पे video बंद नहीं कीजिएगा अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी भी आपका एलिजिबिलिटी अभी भी आपका एप्लीकेशन डेडलाइन खत्म नहीं हुआ है आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे द एम टी सी पी स्कॉलरशिप इज ओपन टू एलिजिबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज जो तो नेपाल और भारत डेवलपिंग कंट्रीज में आता है तो उनके लिए क्या कहा से कहा कब तक कब तक है ट्वेंटी थर्ड मई से थर्टी जून तक रखा गया है स्कॉलरशिप तो से कब तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कौन अप्लाई कर सकता है अब गाइडलाइंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मलेशियन टेक्निकल कारपोरेशन प्रोग्राम

अब उसके बारे में देखते हैं ऑल एप्लीकेशन मस्ट सबमिटेड थ्रू आवर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम दैट इज लिंक इस लिंक पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग इस लिंक में अब यहाँ पे क्लिक किया टू एम टी सी पी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम क्लिक हुआ है अगर हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में ले जाएगा अभी देख लेते हैं पहले क्या क्या चाहिए उसके बाद क्लिक करेंगे ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिलो and to एंड टू बी अपलोडेड थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कैंड एंड PDF पीडीएफ फॉर्मेट so, अब जितना भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो, वो सारे कौन से फॉर्मेट फॉर्मेट चाहिए पीडीएफ बी लेटेस्ट एडमिशन ऑफर लेटर फॉर्म मलेशियन यूनिवर्सिटीज फॉर द एकेडमिक थाउजेंड 2023 अब इसमें आपको ऑफर लेटर आना पड़ा कहां से तो मलेशियन यूनिवर्सिटी से अगर आपको अप्लाई कीजिए अभी भी चांसेस है आपको आने के लिए बहुत चांसेस है आप अप्लाई कर सकते हैं थर्ड में है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम टू रेफरीज दैट इज अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे है तो अंडर ग्रेजुएट जहाँ पे आपने बैचलर कंप्लीट किया है वहाँ से दो फैकल्टी uh, का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आप क्या कैसा इंटेंट आपका कैसा है आपका विजन वो कोर्स के लिए कैसा है वो सब वगैरह रखना पड़ेगा आपको ई में और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट Record of all the courses taken throughout the degree program must be reflected in the academic transcript. Applicants must submit their transcript of their undergraduate studies. Means आपको पूरा record होना चाहिए क्या-क्या आपने सब देश clearly mentioned होना चाहिए कौन सा कौन सा subject आपने पढ़ा है उसके बाद applicant must submit transcript of their undergraduate studies. अब आपको undergraduate का पूरा degree होना चाहिए transcript compulsory है। ट मॉर्ट सबमिट एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाई दाटर डिस्क्राइबिंग द यूनिवर्सिटी ग्रेड सिस्टम अब आपका हर एक यूनिवर्सिटी में अपना अपना पैटर्न होता है सो so, अब आपका यूनिवर्सिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे तो आप आपने किसी से वो ग्रेड शीट के पीछे दिया गया रहता है फिर भी आप अगर नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी से निकलवा सकते हैं करिकुलम बिटाई दैट इज आपका सीबीआई अथवा बायोडाटा बोल सकते हैं उसके बाद जी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशंसी टेस्ट रिजल्ट दैट इज टॉफेल आयल पी टी सी सी पी ई एम यू टीवे इनमें से एक चाहिए आपको और एन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम द प्रीवियस इंस्टीट्यूशन डिक्लेयरिंग इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर द फॉर द टेन डिग्री अगर आपके पास ये ऊपर का ये टॉफेल स्कोर है तो आप लोड कर सकते हैं नहीं है तो आपको इंस्टीट्यूशन से लिखवाना पड़ेगा कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया है वो आपको दे देगा एज अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पासपोर्ट एज एविडेंस ऑफ नेशनलिटी पासपोर्ट से पासपोर्ट कंपलसरी है मिनिमम 18 महीने का वैलिडिटी होना पड़ा है इस पासपोर्ट के लिए और अगर आपका दो महीने का वैलिडिटी है छह महीने का है एक साल का वैलिडिटी है तो आप उस फॉर्म में उस केस में एलिजिबल नहीं है मीन्स आपको न्यू पासपोर्ट अप्लाई करके उसके बाद ही अप्लाई करना पड़ेगा मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट कोविड नाइनटीन प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कैसा है मलेशियन टेक्निकल कारपोरेशन प्रोग्राम एम टी सी पी स्कॉलरशिप एप्लीकेट्स मस्ट कम्प्लाई विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया नॉट मोर देन फोर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मीन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका एज मैक्सिम फोर्टी फाइव ईयर होना चाहिए उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेट्स शुड ऑप्टेन और मिनिमम और सेकेंड क्लास ऑफर और अ मिनिमम जीपीए ऑफ 3.5 और इक्विवेलेंट एट द अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेवल मींस आपका सेकंड क्लास अपर होना चाहिए या फिर आपका तो जीपीए है वो 3.5 से ऊपर होना चाहिए प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्कैंड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सच एज आईएलटीएस टोफल्स ही आपको हैज ऑब्टेन डिग्री विद इंग्लिश यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आइदर ऑफ देम वी कैन अपलोड हैज एन एक्सीलेंट लेवल ऑफ हेल्थ सर्टिफाइड बाय द डॉक्टर फिजिशियन

मलेशियन यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर है वही अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए लेवल ऑफ स्टडी अब आपको लेवल ऑफ स्टडी क्या क्या है मास्टर डिग्री फुल टाइम स्टडी है ये पार्ट टाइम नहीं है ऑनलाइन नहीं है कुछ नहीं है आपको फिजिकली जाके वहाँ पढ़ना पड़ेगा सो so, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए आपको एक से दो दिन में अप्रूवल मिल जाएगा ऑफर लेटर हाथ में आ जाएगा उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए और लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इसमें क्या क्या कौन सा कौन सा है वो हम लोग देख सकते हैं लिस्ट हम देख सकते हैं हम लोग स्क्रीन पे ऑल टूगेदर ट्वेंटी आप ट्वेंटी में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको दो से तीन दिन में हार्डली तीन दिन, दिन लगेंगे ऑफर लेटर आपको रिलीज कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी से उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं जो कि लास्ट है, scholarship. Scholarship covered, आपका लास्ट डेट है थर्टी जून बेनिफिट्स ऑफ एम टी सी पी स्कॉलरशिप दिस स्कॉलरशिप कवर ट्यूशन फी आपका ट्यूशन फी कवर होगा अदर अलाउंसेस ऑफ आर एम 3500 per month, which includes cost of living allowances, book allowances, tools allowances, house rent allowances, placement allowances, thesis allowances, travel allowances, practical training allowances, end of study allowances, medical allowances, insurance allowances, one of return economic class air ticket from the student closest international airport to Malaysia and back to a study home country. Means Janeka. स्टार्टिंग में जाने का जो आपका शुरू में आपका जो जाइएगा आप आ, वहां से आपका जाने का और आने से उधर साइब आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो आइएगा वो टू एंड फ्रो आपका एयर टिकट इकोनॉमिक क्लास का आपको एमबेसी देगी मेथड ऑफ पेमेंट स्कॉलर विल रिसीव अलाउंसेस एज मंड अब द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर मलेशिया थ्रू देयर इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट अब जैसे ही आप मलेशिया में जाइएगा यूनिवर्सिटी में आपका एक अकाउंट बना दिया जाएगा और आपका जो पेमेंट है उसी में आप रिसीव कीजिएगा और अकॉर्डिंगली आपको खर्चा करना है मीन्स आपको इन्वेस्ट वैसे ही करना है जैसे आपका खर्चा है एरियाज ऑफ स्टडी इस इसपे हम लोग चर्चा करते हैं प्रायोरिटी विल बी गिवन टू प्रायरिटी एरियाज ऑफ स्टडी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग नॉट इंक्लूडिंग नर्सिंग मेडिसिन एंड क्लिनिकल फार्मेसी मीन्स आपको पैरा मेडिकल कोर्सेस के लिए नहीं दिया गया है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है इकोनॉमिक्स फाइनेंस मैनेजमेंट एंड बैंकिंग सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशन एंड पोलिटिकल साइंसेज

सारे अपडेट्स आते रहे सारे स्कॉलरशिप का अपडेट्स आते रहे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले चलिए आते हैं एंड कंडीशन पे सबसे पहला कंडीशन है स्कॉलर मस्ट अंडरटेक फुल टाइम मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन मलेशिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन द स्कॉलरशिप ऑफर लेटर मीन आपका फुल टाइम डिग्री हम मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ आपको इस वीडियो में आपको मलेशिया में जाके पढ़ना पड़ेगा आपका एक्सपेंडिचर है सारा मलेशियन गवर्नमेंट बॉन्ड करेगी अगर आप नेशनल इंडिया से हो नेपाल से हो पाकिस्तान से हो बांग्लादेश हो सारे को ये फॉर्म भर सकता है कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड में स्कॉलर मस्ट नॉट चेंज देयर प्रोग्राम ड्यूरिंग दे द टेन यूर ऑफ स्कॉलरशिप एक्सेप्ट विध रिटर्न परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड द एम टी अगर आपको ब्रांच वगैरह चेंज करना है तो उस प्रोग्राम वगैरह चेंज करना है तो वो आपको इन्फॉर्म करके चेंज करने को मिलेगा थर्ड स्कॉलर मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडी प्रोग्राम एंड अवॉइड बाय मलेशियन लॉज एंड द यूनिवर्सिटी रूल्स

तो आपको मंथली अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी से इमीडिएट सस्पेंशन आपको इशू किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन कॉस्ट ऑफ वीजा एप्लीकेशन सैलरी बोर्न बाय द स्कॉलर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन डिटेल्स आर अवेलेबल एट https://visa.educationmalaysia.gov.my यहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस मींस मेडिकल टेस्ट जितना भी होगा एयर टिकट वीजा का जो प्रोसेस है उसमें सारा आपका स्टूडेंट का पैसा लगने वाला है उसके लिए कोई मलेशियन गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं करने वाली है पॉइंट नंबर सिक्स स्कॉलर मस्ट मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक प्रोग्रेस एंड गुड स्टैंडिंग थ्रू आउट द स्टडी ड्यूरेशन एज स्टिपुलेटेड बाई देयर होस्ट यूनिवर्सिटी फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन द Scholarship being अगर आपको स्कॉलरशिप में बुलाया गया यूनिवर्सिटी से तो आपको वो scholarship का लिहाज रखना पड़ेगा कैंसिल किया जा सकता है स्कॉलरशिप आर टेन एबल इन मलेशिया यूनिवर्सिटी मीन्स आपका रिसर्च जितना भी रिसर्च तो, का, का, का काम होगा वो सारा काम होगा मलेशिया में होगा

ये रहा आपको फर्दर ऑफ आप कॉन्टैक्ट क्या इंफॉर्मेशन किन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप तो फॉर फर्दर इंक्वायरीज रिगार्डिंग एम टी सी पी स्कॉलरशिप प्लीज कॉन्टैक्ट एम टी सी पी सेक्रेटरीट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट डिविजन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर लेवल टू विजम उत्तर वन यहाँ आपको मेल आई डी दिया गया है आप इस पर मेल कर सकते हैं कोई भी डाउट है तो या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग भी दिया गया है एट थर्टी से लेकर फोर पी एम तक मलेशियन टाइम पे मंडे टू फ्राइडे यू कैन कनेक्ट विद देम और बाय ईमेल आल्सो यू कैन कनेक्ट विद देम चलिए वीडियो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें साथ साथ ही सब्सक्राइब बटन भी प्रेस करना ना भूले और बेल आइकन दबाइएगा क्योंकि उससे क्या होगा सारे स्कॉलरशिप डिटेल आपको टाइमली पहुंच जाएगा और आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं ताकि डेडलाइन पे ना हो बस थैंक यू